अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं एब्रोडक्शन कार्स। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अपडेट आपको देने वाला हूं वो नई आने वाली टोयोटा लैंड क्रूजर के मुतालिक है। आज आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं, ये कब तक आ सकती है, इस तरह के तमाम सवाल के जवाब आपको आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो वीडियो आपने कैसे स्किप नहीं करनी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल का आइकन को दबा दें ताकि जो भी इस तरह की न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो है नई आने वाली J300 लैंड क्रूजर। ये वाली जो लैंड क्रूजर की करंट जनरेशन चल रही है ये ऑलमोस्ट 2008 से चल रही है और अभी इसको 2021 से तो काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं। जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये लास्ट डे से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल जा रही हैं। नए आने वाली जो लैंड क्रूजर है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि शायद इसका जो इंजन है V8 उसको डाउन साइज कर दिया जाए। लैंड क्रूजर को ज़्यादातर लोग जानते ही इसके V8 नाम से हैं क्योंकि वो एक 8 सिलेंडर गाड़ी है। जहाँ तक नए आने वाली लैंड क्रूजर की बात कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो छोटे इंजन से ज़्यादा आउटपुट लेने का सिस्टम चल रहा है यही नई आने वाली लैंड क्रूजर में भी नज़र आने वाला है। इसमें आपको जो इंजन मिलने वाला का एक्सपेक्टेड है वो होने वाला है 3.5 मतलब 3500 cc V6 हाइब्रिड इंजन, जो कि लेक्सस LS 500 H में भी आता है। जो दूसरा इंजन इसका होने वाला है ऑप्शन वो होगा 3.5 लीटर ट्विन टर्बो V6 इंजन, ये आपको LS 500 में मिल जाता है। जहाँ तक गाड़ी की लुक्स वगैरह की बात स्टार्ट कर लीजिए तो फ्रंट से तो ऐसे जितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। फ्रंट से आपको वही लैंड क्रूजर का जो तकरीबन 2008 से चल रहे वही आपको डिज़ाइन नज़र आ जाएगा, लेकिन गाड़ी के साइड से सी पिलर से जो इसकी विंडो है वहाँ से चेंज आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी की बैक लुक पर आके देख लीजिए तो यह आपको टोयोटा के नहीं बल्कि एक निसान ब्रांड की निसान पेट्रोल नज़र आएगी। गाड़ी की जो बैक लैंप्स हैं उनको छोटा करके उनको स्लिम करके बना दिया गया है, जो कि गाड़ी के लुक को ऐसा जितना ज़्यादा बल्कि लुक नहीं दे रहे। फ्रंट से गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली खूबसूरत लगा है, लेकिन बैक से इतना ज़्यादा ये गाड़ी अपील नहीं करती। आपका इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। जहाँ तक बात कर लीजिए कि ये गाड़ी कब तक आ सकती है, तो ये गाड़ी 2021 के समर यानी कि इस साल के मिड तक या एंड तक आ सकती है। आपका जो भी राय है इस गाड़ी के बारे में नीचे हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।